हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र एक्स दबाकर डिलीट करा, एन दबाकर स्क्रीन कास्ट की ऑन कर रहा हूँ ताकि सब कुछ दिखता रहे क्या कर रहा हूँ। तो आज मेजर था कि सबसे पहले कर्व्स के बारे में बात करेंगे कि मेश और कर्व्स में क्या डिफरेंस है। पहले मैं एक प्लेन ला रहा हूँ, जी वाई पर मैं कुछ इधर मूव कर रहा हूँ, शिफ्ट एगर करे कर्व में जाकर, कर्व में ध्यान देना, कर्व में बेजियर कर्व लेकर आ रहा हूँ, शिफ्ट ए कर एक सर्कल ला रहा हूँ, जी वाई इधर ले आया और शिफ्ट ए पाथ जी वाई। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये पाथ हैं तीनों। और लाइट वगैरह मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, हमें कोई काम नहीं है लाइट का और कैमरे का भी कोई काम नहीं है। तो इस प्लेन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं दो वर्टिसेस सेलेक्ट करके एक्स दबाकर डिलीट कर रहा हूँ वर्टिसेस, तो ये सिंगल लाइन रहे। तो अब लाइन में अगर हमें कुछ भी मैनिपुलेशंस करना हो, एक्सट्रूड करें या कुछ ऐसे क्रिएट करें, तो ये एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। बट अगर हम इस पाथ में जाएं एडिट मोड में और इसको मूव करें तो और एक्सट्रूड करें, तो जो ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, दिस इज़ व्हाट द फाइनल थिंग इज़ गोइंग टू बी, कि मतलब जो आप लास्ट रिजल्ट है हमारा वो ये कर्व है। और एक हमेशा कर्व में रहती है, ये मैनिपुलेटर्स कह सकते हैं कि इन डॉट्स के थ्रू हम इसकी डायरेक्शन, इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। तो अब इनका यूज़ क्या है, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सर्कल भी सेम वैसा ही है, हम एक कोई डॉट उठाकर ऐसे ऊपर करेंगे तो ये भी सेम बिहेव करेंगे तीनों ही कर्व्स। ये भी ऐसे ही मूव करेगा, मैंने जी दबा कर मूव करा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से हमें वायर टाइप कुछ क्रिएट करना है या कुछ भी मतलब ऐसा क्रिएट करना है जिसके अंदर फ्लो है, ना कि मतलब बिल्कुल एंगल्स जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल जैसे मेरी ये वायर है, हमें कुछ ऐसी सी वायर क्रिएट करनी है। तो ओम से उस पॉइंट पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। अब कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। इन सबको मैं अभी एक बारी के लिए डिलीट कर रहा हूँ, शिफ्ट ए कर मैं फिर से दिखाने के लिए मैं पाथ ले कर आ रहा हूँ। पाथ और बेजियर कर्व में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, बट पाथ इज़ लाइक अ स्ट्रेट लाइन दैट यू गेट, कि आपको सीधी सी एक लाइन मिल जाती है। पर आपको बेजियर कर्व में दो पॉइंट मिलेंगे, इसके अंदर फाइव पॉइंट्स मिल जाते हैं मैनिपुलेटर्स पहले से। तो आपको क्या शुरू कैसे करना है वो फिर थोड़ा सा ईजी है इसमें कंपेयर टू बेजियर कर्व। बाकी वो भी वही चीज़ करता है जो ये करता है। मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में जा रहा हूँ और एक सर्कल लेकर आ रहा हूँ और जी वाई पर ऐसे टर्न कर रहा हूँ और आर वाई पर 90 डिग्री ऐसे शेप कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, सब मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है ये चीज़, मतलब मैं क्या बताऊँ कि हम क्या करेंगे कि इस लाइन को ट्यूब में कन्वर्ट कर देंगे या पाइप जैसी चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे इसके बेसिस में। ऐसे एक्चुअली दो होते हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, ये कर्व प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर ये कर्व वाला एक सिंबल दिख रहा है, इस प्रॉपर्टी में जाना है हमें। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे। तो ये पर एक कर्व की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि क्या है कि जो अब हमारा मेश होती है उसके लिए हमें कुछ डिफरेंट सिंबल दिखाता है ब्लेंडर, जो कि ये कुछ एक ट्राइंगल टाइप का सिंबल है। ये भी ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ है, बट ये मेश की हैं और ये बेजियर कर्व की हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर आपको ये वाला सिंबल नहीं दिख रहा है बाय चांस, मतलब ये वाला, तो फिर आपको उस मोमेंट पर ध्यान देना है कि आपने कर्व नहीं ले रखा है, कुछ और ही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इस वजह से ऐसी इशू आ रही है, ऐसा इशू आ रहा है, ठीक है। तो फिर अब क्या करना है हमें कि एक तो तरीका है कि हम इसको क्लिक करें यहाँ नीचे, ऊपर से ऐसे, अब नीचे शेप है, टेक्सचर स्पेस है, यहाँ ज्योमेट्री है। इस ज्योमेट्री में अगर मैं ये बेवेल में डेप्थ इंक्रीज कर लूँ,
तो ये सर्कल की तरह बिहेव करता है, और मैं इसका रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकता हूँ ताकि और स्मूथ हो जाए, जैसे मेरे को चाहिए उसके हिसाब से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और अब क्या है कि ये तो हो गया सिंपल तरीका, इसमें ना हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते ज़्यादा, हमें इसे यूज़ ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब ये इसका एक डिसएडवांटेज एडवांटेज जो भी कहना है कह सकते हो, पर एक यहाँ पर सेकेंड राउंड के बाद ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना है। मैं इसमें क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे को सारे ऑब्जेक्ट, अभी क्या है कि पूरी फाइल के अंदर दो ही ऑब्जेक्ट हैं, तो मेरे को सिर्फ बेजियर सर्कल दिखा रहा है, ऐसे आपको सब मेशेस भी दिखा देगा ये, बट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको बेजियर सर्कल ही सेलेक्ट करना है, नॉर्मल सर्कल आई गेस नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका काम सही नहीं हो सकता, मतलब वो इरिटेट, मतलब वो सही तरीका नहीं होगा। और एक तरीका है कि आई ड्रॉपर पर क्लिक करें, और जिस ऑब्जेक्ट को टारगेट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ये वाला मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं इस सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि बेजियर सर्कल है। तो ये अब क्या हुआ कि ये जितना इसका डायामीटर है, इसका भी उतना ही डायामीटर है, ये उतना ही वाइड ओपन है। अब मैं अगर इस सर्कल को स्केल डाउन करूँगा तो वो भी स्केल डाउन हो रहा है, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट की डाटा प्रॉपर्टी में बताया है कि इसकी शेप के हिसाब से तेरे को काम करना है। बेसिकली जैसी इसकी शेप होएगी वैसे ही तेरे को देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके एडिट मोड में जाकर भी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, कि हम ये दोनों पकड़ें और स्केल कर डाउन कर लें, ठीक है, और ये दोनों भी हम स्केल कर डाउन कर लें, या हम रोटेट, अच्छा रोटेशन पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम ए दबा कर सब डिवाइड कर लेते हैं, और ये जो चार पॉइंट्स हैं हमारे जो नए आए हैं अब इन्हें स्केल कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो वहाँ पर भी एक वीर्ड सी ज्योमेट्री बनती जा रही है, और हम इसे मैनिपुलेट यहाँ से भी कर सकते हैं कि हम, मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया गलती से, हाँ मैंने ये सेलेक्ट करा, मैं एडिट मोड में गया, अब मैं यहाँ से अगर एक लास्ट या ये वाला एज मतलब वर्टेस या ये वाली वर्टेस सेलेक्ट करूँ, एक एंड सेलेक्ट करूँ बेसिकली, तो एक्सट्रूड कर सकता हूँ मैं किसी भी डायरेक्शन में, और मैं जैसा कुछ भी चाहूँ मैं वैसा कुछ क्रिएट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय नीड वांट्स डिज़ाइन, जो भी आपका काम है। तो ये तो एक सिर्फ शोकेस करने के लिए, पर क्या है कि अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ बड़े इम्पोर्टेंट, कि ये हॉलो है, कि इसके आर पार आप देख सकते हो, और हमें ये चीज़ नहीं चाहिए एंड ऑफ द डे कि हम हमारी ऐसी मेश का कोई इतना यूज़, मेरे को मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि हमें ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि ओपन ही रहे सारा टाइम, क्योंकि हमें क्लोज तो करना ही होता है, नहीं तो आर्टिफैक्ट्स आते हैं या कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं, नहीं तो हम इसे सॉलिडिफाई कर लेते हैं। तो अब क्या है कि इसको फिल करना है, तो उसका एक ऑप्शन यहीं पर ही है ऑब्जेक्ट, वहीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही, कि फिल कैप्स, इस पर क्लिक करने से ये दोनों तरफ कैप्स फिल कर देता है जो ओपन है, या फिर हम फिल कैप बंद भी कर सकते हैं, ओपन कर रख सकते हैं जैसे चाहे पहले से ही। मतलब अगर कई बार क्या होता है कि हम अब क्या है कि मैं जो नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ उस स्टेज के बाद आपको याद आती है कि नहीं यार मेरे को कर लेना चाहिए था, तो आपको ये चीज़ डिसाइड पहले ही करनी पड़ेगी आपको कैप्स चाहिए कि नहीं चाहिए। और उसका रीज़न क्या है कि अगर मैं एक शिफ्टे कर क्यूब ले आऊँ वापस, सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से, एक एक्सप्लेनेशन देने के पर्पज़ से, कि इस क्यूब के अंदर हम जाएं तो एक मेश है ऑलरेडी, पर इसके अंदर जाएं तो इसके अंदर तो एक सिंपल सी लाइन है और उसी के ऊपर काम हो रहा है, और इस लाइन को पता है कि ऐसे बिहेव करना है तो ये वैसे कर रही है, तो एक तरीके का धोखा देकर हमने कुछ ऐसी सी चीज़ बनाई है ब्लेंडर के अंदर, और उसका एक फ़ायदा हो रहा है हमें एंड ऑफ द डे, है ना, हम एक ऐसा डिज़ाइन अचीव कर पा रहे हैं जो कि नॉर्मली थोड़ा सा मुश्किल है ऐसा डिज़ाइन बनाना किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर हम मेश से बनाएं तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, और ये आसानी से हो गया, मतलब कितनी ही देर लगी ना। तो अब क्या है कि जब हमारा डिसाइडेड है कर्व कि हमें ऐसा ही कर्व फाइनल स्टेज पे चाहिए, और जैसे मैं अगर इसे सब डिवाइड कर दूँ एक बारी ताकि थोड़ा और क्लैरिटी होए कि मैं इसे सब डिवाइड कर रहा हूँ अभी के लिए सिंपल में,
और तीन बार कर लिया, कंट्रोल ही कर दिया। अब मैं एडिट मोड में जाऊँ तो इसमें और भी ज्योमेट्री आ गई, और मैं ज्योमेट्री में अब चाहता हूँ कि थ्री दबाकर मैंने ये सारे फेसेस सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा लूप सेलेक्ट कर लिया फेसेस का, और यहाँ सेलेक्शन में जाकर चेकर डी सेलेक्ट, ये एक बटन है चेकर डी सेलेक्ट, ये क्लिक करा तो अब सिर्फ जैसे चेकर्स में एक एक छोड़कर हमें काम करना होता है, सिमिलरली वैसे जैसे चेस में होता है कुछ एंड पर वैसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर रहा हूँ और इसको ऐसे एक्सपांड कर रहा हूँ। अब हमें इसमें भी ऐसी सी कुछ रिक्वायरमेंट है सपोजिटली, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब इस स्टेज के बाद कुछ भी मैनिपुलेशन करना एक कर्व के ऊपर इम्पॉसिबल टाइप का है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जब हमारा एक एंड पर हमने डिज़ाइन फाइनल कर लिया है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे और सिंपली इसे कन्वर्ट टू मेश कर देंगे। अब क्या हुआ, मैं एडिट मोड में जाऊंगा तो इसमें सारी मेश है, और मैं कोई भी एक लूप सेलेक्ट कर सकता हूँ और वही मैं काम कर सकता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट में जाकर चेकर डी सेलेक्ट कर लूँ और एक्सट्रूड नॉर्मल सेलेक्टेड है तो मैं इसे एक्सट्रूड कर लूँ और मैं बाहर आ जाऊँ। तो हमने इसके ऊपर भी कर लिया। अब कहेगी थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है क्योंकि ये शेड स्मूथ नहीं हो रखा है, मैं एक बार इसे शेड स्मूथ कर कर देखता हूँ और इसको यहाँ पर नॉर्मल्स में ऑटो स्मूथ ऑन कर रहा हूँ एंगल पे 30 डिग्री पर, ठीक ही लग रहा है तो ऐसे ही रहने देता है। तो हमने कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया जो कि मतलब अगर हम नोटिस करें तो सिर्फ 11 मिनट 12 मिनट हुए हैं अभी, और उसके अंदर हमने कुछ ऐसे सी मतलब अजीब सी चीज़ हम क्रिएट कर पाए हैं, मतलब जो कि इम्पॉसिबल थी। अगर हम कोई भी शिफ्ट कर कर हम यहाँ से क्यूब लाए, सिलेंडर लाए, सिलेंडर सबसे क्लोज है तो शायद हम सिलेंडर को लेकर ही काम कर सकते थे, बट स्टिल कर्व का एक बेनिफिट है और वही बताने का रीज़न है। अभी सब डिलीट करते हैं, एक और प्रिंसिपल कर्व का बताने वाला हूँ मैं, वापस एक बार ही पाथ ला रहा हूँ। ये रहा मेरा पाथ आ गया, मैं फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ, एडिट मोड में जा रहा हूँ और इस साइड के ये दोनों एक्स दबा के वर्टिसेस डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ इस साइड के रहने दे रहा हूँ तीनों, ठीक है। और मैं बाहर आया मॉडिफायर्स में, मॉडिफायर में मैंने एक मॉडिफायर लगाया जो कि है मेरा मिरर, तो दूसरी साइड मिरर हो गया अपने आप अगर आपको दिख रहा है तो। और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और मॉडिफायर लगा रहा हूँ जिसका नाम है स्क्रू, ठीक है। ये अभी जेड एक्सिस पे है, बिल्कुल ठीक है। मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा, इसके ये वाला वर्टेक्स पकड़ूंगा और ऐसे एक्सपांड करूँगा, और ये वाले को मैं थोड़ा सा जी एक्स पर मूव कर रहा हूँ और इसे मैं जी जेड पर नीचे ला रहा हूँ, और इन दोनों को मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ और इसको यहाँ ऐसे मूव कर रहा हूँ, और फिर मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ फिर से, फिर एक्सट्रूड कर रहा हूँ, फिर एक्सट्रूड कर रहा हूँ, जी करके मूव कर रहा हूँ कुछ ऐसे, ई हमने कुछ ऐसी सी अब एक एक वेज बना लिया, हमने सिर्फ एक लाइन से, अब मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन है जिसको हमने टोटल 360 डिग्री इस स्क्रू मॉडिफायर के बेसिस पे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो 360 डिग्री यहाँ पर मेंशनड है, तो 360 डिग्री टोटल होते हैं, उससे ज़्यादा तो होते नहीं एक सर्कल के अंदर। तो ये एक लाइन को उसने 360 डिग्री टाइम ऐड कर दिया है, बेसिकली बेसिक लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि 360 बार उसे घुमा दिया है और वापस वो एक यहाँ पर, क्योंकि हमने Z एक्सिस पर घुमाया है, अगर मैं कोई और एक्सिस लेता तो वो उस एक्सिस पर घुमाएगा, और हमें वो चीज़ अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो वो आपकी मर्जी है,
हम ऐसे टायर बन गए ऐसे बढ़िया, ये भी एक बड़ा सही तरीका है। अगर हमें कुछ प्लेट्स वगैरह बनानी है तो वैसे तो वही जेड एक्सिस पर ही करो, वो चीज़ भी तो सही है, बट जैसे आपको रिक्वायरमेंट है आप वैसे कर सकते हो। तो ये एक प्रिंसिपल है इसका बेसिकली। और इसमें भी हम और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे हम इस पे लगा दें एक बारी अब क्या है कि इस स्टेज के बाद कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो हम एक बेवल लगा सकते, बेवल कह रहा हूँ सॉरी, सॉलिडिफाई कर सकते हैं, बट मैं इस स्टेज पे सॉलिडिफाई करना मतलब प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत हार्ड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक दबाएंगे, कन्वर्ट टू मैश करेंगे पहले, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ट्राइंगुलेट कर रहा हूँ, नहीं ट्राइंगुलेट की जगह डेसीमेट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं 0.2 वैल्यू रखता हूँ, और ट्राइंगुलेट भी ऑन कर रहा हूँ यहाँ से, और सिमेट्री भी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल ए कर कर अप्लाई कर रहा हूँ, और एडिट मोड में देख रहा हूँ कि क्या हुआ, ये हो बना है नया जो। अब एक्चुअली क्या है, डिफरेंस क्या है तो मैंने दिखाया ही नहीं ना। मैं इसको बंद कर रहा हूँ डेसीमेट मॉडिफायर को, मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ। तो ये हमारी मैश है बेसिकली, इसे मैं थोड़ा सा ख़राब कर रहा हूँ यहाँ से डेसीमेट को अप्लाई करके। और अब ये अप्लाई होने की वजह से कंट्रोल ही दबाकर मैंने अप्लाई कर दिया, वहाँ देखा होगा आपको इस साइड पर, तो डेसीमेट होने की वजह से कुछ ऐसी सी इसके अंदर वायर्स आ गई हैं अजीब सी। हम क्या कर सकते हैं कि इन वायर्स के ऊपर फिर से एक मॉडिफायर लगा सकते हैं जिसका नाम है वायर फ्रेम, ठीक है, और इस वायर फ्रेम को मैं ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, इवन रिलेटिव, इवन ऑफ रख रहा हूँ और कुछ ऐसे कर रहा हूँ। तो हमने ये कुछ ऐसी सी मेश बना लिया है। तो मतलब इट्स अबाउट शोइंग यू कि हम हमारे पास कितना मतलब पॉसिबिलिटी है, दैट्स इट। कोई मतलब बहुत मेजर वो नहीं है ये चीज़, बट अब समझ रहे हो कि हमने अजीब सा वेज बना लिया है। अब अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो ऐसा बना लो, मतलब सब तुम्हारे ऊपर है कि हमें पतला चाहिए इसे, बड़ा चाहिए, तो ये सब आप कर सकते हो। तो ये क्लास इतनी ही, अब नेक्स्ट क्लास।